हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। महात्मा गांधी जी ने कहा था, पहले वो तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर वो तुम पर हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ाई करेंगे, मगर अंत में जीत तुम्हारी होगी। तो बहुत ही अच्छा कॉट है दोस्तों, समझने लायक है कि महात्मा गांधी जी हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे फिक्स्चर। ओके, तो फिक्स्चर क्या होता है, मिलिंग फिक्स्चर क्या होता है, ड्रिलिंग फिक्स्चर क्या होता है, और उसके यूज़ इंडस्ट्री में किस तरह से हैं। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फिक्स्चर तो हमको पता ही है कि फिक्स्चर क्या करता है। फिक्स्चर किसी भी कंपोनेंट को होल्ड करता है और ऑपरेशन के दौरान। ओके, तो हमको उसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन, रिमिंग ऑपरेशन, या फिर हमको सरफेस फिनिशिंग करना है, ओके, या ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना है, तो वर्क पीस को होल्ड करने का काम फिक्स्चर करता है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये हमारा वर्क पीस है। ओके, तो यहाँ पर एक सपोर्ट पिलर दिया है और बेड के ऊपर एक बेस दिया है। ओके, तो यहाँ से हमने क्वार्टर पिन का इस्तेमाल किया है इसको ऊपर से लोकेट करने के लिए। ये हमारा सेंटर में वर्क पीस है और ये हमारी टेबल है। अब ये जो टेबल है, ये उसका मशीन का बेड हो सकता है। ओके, जहाँ जिस मशीन में हम CNC या VMC मशीन में इसको हम लगा रहे हैं। ओके, ये वो टी स्लॉट है मशीन्स के। ओके, ये मशीन के वो टी स्लॉट्स हैं जिसके अंदर जो बेसिक बेड है, ओके, जो ये बेड इसके अंदर बैठता है और ये टी स्लॉट से ये फिक्स हो जाता है। ओके, और इसमें हम टी स्लॉट में एक टी टाइप की जो की रहती है, वो की का इस्तेमाल करते हैं जो इन दोनों को, बेड को और जो मेन बेड है, मशीन का बेड है, उसको आपस में जॉइन कर देता है। ओके, और यहाँ पर हम कुछ पिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकेटिंग पिन का, जिससे कारण से बेड और पिलर के बीच में, ओके, जो सपोर्ट पिलर है और जो मशीन का बेड है और वर्क पीस के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन हो सके। ओके, जिससे कारण जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे तो टूल जो हमारा है, टूल को दिक्कत ना हो और टूल को हार्म ना पहुँचे, इसलिए हम ये डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। ओके, अब दोस्तों, टाइप्स ऑफ फिक्स्चर में अगर हम देखें तो टाइप ऑफ फिक्स्चर में बेसिकली दो तरह के फिक्स्चर होते हैं। एक होता है मिलिंग फिक्स्चर और सेकंड होता है ड्रिलिंग फिक्स्चर। ओके, तो बेसिक जो ऑपरेशन जो मशीन में VMC या CNC मशीन में हम करते हैं, तो फिक्स्चर हैवी होते हैं वेट में। ओके, तो बेसिक जो ऑपरेशन रहते हैं वो हम या तो मिलिंग का करते हैं या फिर हम ड्रिलिंग का करते हैं। और एक और टाइप का होता है दोस्तों, यह एक बेसिक मिलिंग फिक्स्चर है जिसके सेंटर में हमने कंपोनेंट को रखा है। यहाँ पर एक सपोर्ट पिलर है और नीचे बेड है जहाँ से हमने इसको एक साइड से क्लैंप किया है। ओके, और इसके ऊपर कोई भी मिलिंग ऑपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं CNC या VMC में इसको अटैच करके। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर टी स्लॉट होंगे जो मेन बेड के साथ अटैच होगा। ओके, आप इसके प्लान व्यू में देख सकते हो कि जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा। ओके, और यहाँ से हमने एक सपोर्ट पिन लगाई है और दूसरा सपोर्ट पिन लगाई है जिससे हमने वर्क पीस को अटैच किया है। ओके, अब दोस्तों, मशीनिंग के लिए हम फिक्स्चर जितना चाहे उतना सिंपल बना सकते हैं। ओके, तो डिज़ाइन प्रिंसिपल के मिलिंग फिक्स्चर के जो रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, हम एक सिंपल सा ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ब्लॉक में हमने एक स्टेप दिया है, ये एक स्टॉपर की तरह वर्क करेगा। जब हम अपने वर्क पीस को इस पर लगाएंगे और कोई भी कटर चलाते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर इस पर यह स्टॉप हो जाएगा और एक स्ट्रैप क्लैंप से हम इसको यहाँ से स्टॉप कर देंगे। ओके, तो ये जो भी हम ऑपरेशन हम इस पर करेंगे, जो कटिंग ऑपरेशन करेंगे जिसमें से चिप्स निकलेगी, या फिर हम कोई ग्राइंडिंग ऑपरेशन इस पर से कर सकते हैं आराम से, तो इस पर से रफिंग ऑपरेशन भी हम आसानी से किसी मशीन के ऊपर कर सकते हैं। ओके, तो एक सिंपल सा ब्लॉक है जिसको हमको आपस में भी मशीन बेड के साथ अटैच करना होगा। ओके, अब यहाँ पर आप फिगर 2 में देख सकते हो कि फिगर 2 में भी हमने एक कटर से मशीन वर्क पीस, दोस्तों फिगर 2 में हमने स्ट्रैप क्लैंप का इस्तेमाल किया है कि जो स्ट्रैप क्लैंप है उसने वर्क पीस को इस तरह से क्लैंप कर दिया है कि वह कहीं पर मूव नहीं कर सकता। ओके, तो दोनों साइड पे उसका मूवमेंट रुक गया है और जो हमारा कटर से हम अपने ग्राइंडिंग ऑपरेशन या फिर जो भी ऑपरेशन हमको करना है, जो कटिंग ऑपरेशन है, तो वह हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, और थर्ड जो है उसमें भी हमने एक स्टॉपर का इस्तेमाल किया है और हमने वर्क पीस को डायरेक्ट बेड पे क्लैंप किया है और स्टॉपर रखा है और स्टॉप कर देगा, उसके बाद हम डायरेक्ट एक सिंगल ऑपरेशन के साथ हम कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं लेथ फिक्स्चर। तो लेथ फिक्स्चर में एक ड्रिलिंग लेथ मशीन में एक चक होता है। ओके, तो चक बेसिकली एक फिक्स्चर की तरह वर्क करता है जो कंपोनेंट को या फिर वर्क पीस को होल्ड करके रखता है। ओके, तो चक में हम एक एडिशनल इक्विपमेंट लगा सकते हैं जो अलग से, अगर कोई बड़ा कारण, हम इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन या लेथ ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसमें एक एडिशनल फिक्स्चर लगाया है। ओके, जो कि वर्क को, वो जो वर्क पीस है, वर्क पीस को इस जगह पर होल्ड करके रखेगा। ओके, तो ये टी बोल्ट हैं जो इसमें फिक्स हो जाएंगे। ओके, और आसानी से हम इस पर, यहाँ पर जो हमारा वर्क पीस होगा इस पर, हम सिलेंड्रिकल वर्क पीस होगा इस पर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, और हमारा टूल से इसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन किया जा सकता है जो लेथ मशीन में किया जा सकता है। ओके, तो ये था दोस्तों मिलिंग फिक्स्चर, लेथ फिक्स्चर और ड्रिलिंग फिक्स्चर के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो अगर आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।